तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक सुपर बाइक के मीटर का वीडियो। यह है कावासाकी Z650। गाइज, ये बाइक आती है लगभग 8-9 लाख रुपए की और काफ़ी महंगी बाइक का मीटर है ये। और इतनी महंगी बाइक का मीटर भी महंगा ही होगा, तो इसको रिपेयर कराना ही ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अभी तक मुझे इस मीटर के कनेक्शन नहीं पता है, तो सबसे पहले तो मैं इसके कनेक्शन टेस्ट करूँगा। अगर मुझे इसके कनेक्शन पहले से पता होते तो मैं पहले ही आपको इसके ओपन करने से पहले ही आपको इसे चला के दिखा देता, बट सबसे पहले मुझे इसके कनेक्शन टेस्ट करने हैं। और कनेक्शन टेस्ट करके डिस्प्ले निकालने से पहले आपको मैं इसका वीडियो दिखा दूंगा कि इसकी डिस्प्ले की क्या हालत है। एक्चुअली ये जो मीटर आया है मेरे पास, ये डिस्प्ले की प्रॉब्लम के लिए आया है। और कस्टमर का जो उनका मीटर है, विदाउट मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं करना है उनको, सिर्फ उनको स्टॉक में रखना है इसको और रिपेयर कराना है। तो बोन बॉडी वगैरह सबके मैंने स्क्रू खोल लिए हैं, बट मैं डिस्प्ले नहीं निकालूंगा आपको टेस्ट कराए बिना। मैंने इसका वीडियो देखा हुआ है क्योंकि कस्टमर ने ये मेरे पास गोवा से भेजा है मीटर, और वो पहले भी काफ़ी सारे मीटर भेज चुके हैं। आई थिंक वो मैकेनिक हैं या सेल वगैरह का काम करते हैं। तो इस मीटर में जो प्रॉब्लम है वो डिस्प्ले फेडेड की है। तो मैं फटाफट से इसके कनेक्शन ढूंढ के और आपको इसे प्रॉपर चला के दिखा देता हूँ, और आपको भी दिखा देता हूँ कि सुपर बाइक के मीटर भी इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं। ये मीटर जहाँ तक मेरे ख्याल है कम से कम भी 50-60 हज़ार रुपये के आसपास होना चाहिए। ये मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा का ही होगा, कम का नहीं। तो देख सकते हैं विजिबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है, सेंटर से काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो गया है डिस्प्ले। तो हम इसको रिपेयर करेंगे ओरिजिनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मा डिजिटल मीटर रिपेयर में। इस मीटर में अब हम फटाफट से इसका जो डिस्प्ले है उसको निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसका डिस्प्ले देख के मुझे कुछ हॉर्नेट ट्रिगर, होंडा ट्रिगर, इन बाइकों की याद आ जाती है क्योंकि उनके भी डिस्प्ले सेम इसी तरीके से लगे हुए रहते हैं। बट ये जो सुपर बाइक का मीटर है, मैं बिल्कुल नहीं रिस्क लेना चाहता हूँ उसके साथ। बहुत ही ध्यान से मुझे इसको निकालना है डिस्प्ले, क्योंकि मीटर बहुत ज़्यादा महंगा है और मैं नहीं चाहता कि थोड़ा भी डैमेज हो। तो मैं बिल्कुल इसको ओरिजिनल कंडीशन में ही रखना चाहता हूँ, रिपेयर करने के बाद भी। ओरिजिनल से मेरा मतलब जो इसके प्रिंट्स वगैरह हैं, एक भी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो मैं इसी तरीके से इसको रखना चाहूँगा। तो इस मीटर में एक प्रॉब्लम आई मुझे, एक एलईडी थी जो कि ये था, आई थिंक ये एलईडी नहीं, एक सेंसर था शायद, ये सेंसर होना चाहिए हमारा लाइटिंग सेंसर। तो इसकी वजह से ये जो बोन बॉडी है वो बाहर नहीं आ रही थी। तो ये सेंसर जैसे ही मैंने निकाला, ये रबड़ में एक्चुअली एक सेंसर लगा हुआ था इसमें, आई थिंक ज़रूर ये डे लाइट को सेंस करता होगा। तो इसको हमने निकालते ही हमारा बोन बॉडी डिस्प्ले के साथ में बाहर आ गया है। फिर भी मैं इसके पूरे साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखूंगा इस मीटर में, थोड़ा भी कहीं पे कुछ गंदगी नहीं आनी चाहिए और मीटर बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में रहेगा। इस मीटर में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है ये जो इसका आरपीएम की जो लाइटें हैं, इसमें बहुत सारी लाइटें लगाई हुई हैं, हर आरपीएम के लिए अलग अलग लाइटें लगाई हुई हैं, हर 1000 आरपीएम पे। तो इसका ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है इसमें। और डिस्प्ले के जो पॉइंट्स, अभी जो हमने डिस्प्ले निकाला है इसका, वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसी कंडीशन में रहे। तो इसके लिए मैं इसको पूरा अच्छे से क्लीन कर दूंगा, ताकि मैं इसमें डिस्प्ले निकाल के लगा भी दूँ तो भी कोई ये ना बता पाए कि इसमें से कभी डिस्प्ले निकाला अभी तक किसी ने। तो ये देख सकते हैं ऊपर आरपीएम के लिए कितनी सारी लाइटें लगी हुई हैं इसके अंदर। मैंने कस्टमर को सजेस्ट किया था वैसे इसमें अगर वो कलर मॉडिफिकेशन कराना चाहें तो, बट उनका ये कहना था कि गाड़ी को उनको स्टॉक ही रखना है। हालांकि कलर ऑप्शंस मेरे पास बहुत सारे होते हैं, बट फिर भी कस्टमर की अपनी चॉइस रहती है। तो ये देखिए, इस डिस्प्ले को हम रिपेयर करने वाले हैं। और इस डिस्प्ले में जो इसका बैक साइड का ये जो शीट है, ये देखिए कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये देखिए विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी थी इसकी।
और आज आप देख रहे हैं कावासाकी Z650 का ये जो मीटर रिपेयर देख रहे हैं, और कल को आपको देखने को मिलेगा कावासाकी Z1000 का मीटर। एक्चुअली दोनों ही मीटर मेरे पास साथ में आए हैं, दोनों ही मीटर मैंने साथ में रिपेयर किए हैं, बट जो दूसरा मीटर है उसका वीडियो आपको कल अपलोड करने के बाद आपको यूट्यूब में मेरे चैनल पर दिखाई देगा। वो बाइक इससे भी ज़्यादा महंगी है, ये बाइक 8 लाख रुपए के आसपास की है, और दूसरे वाली बाइक जो Z1000 है वो आपकी 15-16 लाख रुपए की बाइक है, आई थिंक प्लस की ही होगी, इससे कम की नहीं होगी। तो डिस्प्ले हमने इसका अच्छे से रिपेयर कर लिया है, शीट हमने इसके ऊपर दूसरी चढ़ा दी है, और अभी मैं आपको इसको लगा के इसकी विजिबिलिटी चेक करा देता हूँ। तो ये हमने डिस्प्ले की प्रोटेक्शन लेयर उतार दी है, और अब हम इसको बोन बॉडी में लगा देंगे इसकी। इसमें मुझे थोड़ा सा और भी काम करना पड़ा डिस्प्ले में, जो कि मैं वीडियो में आपको नहीं दिखा पाया। एक्चुअली मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि करना कैसे है, तो मैं करते गया वीडियो ऑफ करके, और करते करते अपना काम भी सक्सेस हो गया। तो इस डिस्प्ले के पीछे मुझे लगानी पड़ी एक स्पेशल शीट, जिसकी वजह से जो इसका ग्लो था वो और ज़्यादा अच्छा हो गया है। अभी तक नहीं लगाई है, अभी के ग्लो में और बाद वाले ग्लो में आप देख सकते हैं फर्क। अभी आपको इसमें जो पीछे की जो इसकी प्लास्टिक है वो आपको दिखाई दे रही है, उस शीट लगाने के बाद वो सब क्लियर हो जाएगी प्लास्टिक, तो आपको सिर्फ डिस्प्ले दिखाई देगी। उसको ब्लर शीट बोलते हैं, और वो ब्लर शीट इसके अंदर नहीं थी। एक्चुअली इसके अंदर जो इसकी बैक साइड की जो शीट थी उसके अंदर ही वो ब्लर शीट आती थी। तो अभी में और पहले वाले ग्लो में थोड़ा सा आपको फर्क देखने को मिलेगा। अभी मैंने इसमें ब्लर शीट लगा दी है, तो अभी मैं आपको इसको लगा के चेक करा देता हूँ। ये देखिए अभी ग्लो काफ़ी अच्छा हो गया है पहले से, और डिस्प्ले में आपको कटे हुए डिजिट इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी तक डिस्प्ले कनेक्ट नहीं किया है। तो डिस्प्ले कनेक्ट करने के लिए मैं इसके कोने कोने वाले 2 पॉइंट सोल्ड कर दूंगा पहले, ताकि डिस्प्ले सेट हो जाए, और फिर मैं बाकी सब पिन इसके सोल्डिंग कर दूंगा। अभी मैं फटाफट से इसकी जो सोल्डिंग है वो कंप्लीट कर देता हूँ। और सोल्डिंग मैं इसकी इतनी सफाई से कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ा भी पेस्ट का निशान नहीं आएगा, और इस चीज़ का भी ध्यान पूरा रखा जाएगा कि कोई भी पॉइंट एक दूसरे से शॉर्ट ना हो। अगर कोई भी पॉइंट एक दूसरे से शॉर्ट हो जाएगा तो उस पॉइंट से कनेक्टेड जितनी भी डिजिट होंगी वो सब ब्लैंक हो जाएगी। तो ये लगा दिया हमने लाइटिंग सेंसर भी, और फ्रेंड्स अभी मैं आपको इसको चला के दिखाने वाला हूँ, और अब आप देखिए डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर वाला। और ये देखिए मीटर बिल्कुल नया जैसा हो गया है, मानो बिल्कुल नया ही मीटर हो। इसमें मैं आपको आरपीएम स्पीड वगैरह सब कुछ टेस्ट कराने वाला हूँ। चलिए तो फटाफट से इसको पहले फिट कर लेते हैं, फिट करने के पहले पूरा क्लीन कर लेते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल अंदर ना रहें। और ये जो इसके बोन बॉडी के 5 स्क्रू हैं ये भी इसमें लगा देते हैं। तो ये हमने इसका पूरा फिटिंग कर लिया है अभी, और ये रही इसकी टेस्टिंग। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मीटर है ये, एक्चुअली मॉन्स्टर पे लगा हुआ मीटर। और ये रही इसकी स्पीड टेस्टिंग और आरपीएम टेस्टिंग, देख सकते हैं आरपीएम भी कितना सुंदर इसका दिख रहा है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मीटर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।